किसी लीजेंड सुपरस्टार का बेटा हाथ जोड़कर काम मांगे, बॉलीवुड के इतिहास में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन वक्त और हालात कब किसे आसमान की ऊंचाइयों पर बैठा दें और कब किसे मिट्टी में मिला दें, कुछ नहीं कहा जा सकता। लीजेंड जॉनी वॉकर के बेटे नासिर खान इतना मजबूर हो गए हैं कि वो इंडस्ट्री से काम की भीख मांग रहे हैं, वो लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। नासिर अमिताभ बच्चन की फिल्म बागबान में उनके बेटे बने थे। इसके अलावा नासिर ने ये मोहब्बत है, कामयाब और वेडनेसडे जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन आज उनके पास काम नहीं बचा है। जॉनी वॉकर के बेटे होने के बावजूद उन्होंने फिल्मी दुनिया में किसी से मदद नहीं मांगी और अपने दम पर ही काम में लगे रहे, पर अब हालात ऐसे हैं कि उन्हें काम मांगना पड़ रहा है। वीडियो में 55 साल के नासिर अपना नाम, उम्र और हाइट की जानकारी दे रहे हैं, साथ ही इंडस्ट्री से अपील कर रहे हैं कि उन्हें काम दिया जाए। Hi everyone, this is Nasir Khan and this is my request to all the casting directors and their assistants out there. My name is Nasir Khan, my height is 5'9", my age is 55. मैंने बहुत सारे एड फिल्म्स किए हैं, टेलीविजन की है, वेब सीरीज की है, बहुत सारी हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। डेफिनेटली आप लोगों ने मुझे देखा होगा और अगर आप समझते हैं कि मैं एक काबिल एक्टर हूं, लायक एक्टर हूं, केपेबल एक्टर हूं, तो डेफिनेटली कॉल मी, मैसेज मी, आई वुड लाइक टू वर्क विथ यू। लेकिन प्लीज अब ऑडिशन देने की ताकत और हिम्मत मुझ में नहीं रही। आई कैन नॉट एंड आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनी मोर ऑडिशंस टू प्रूव दैट आई एम केपेबल ऑफ दैट कैरेक्टर। If you think I'm a capable actor, then definitely I will be capable enough to prove to be that character also. तो अगर आपको लगता है कि मैं किसी भी लायक हूं तो प्लीज मुझे कॉल कीजिए, मैं काम करने को तैयार हूं, लेकिन ऑडिशन देने के लिए। साल 2022 में ई टाइम्स को दिए इंटरव्यू में नासिर ने बताया था कि फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया था, कोई भी उन्हें काम नहीं दे रहा था। ये साल 2008 से 2015 के बीच की बात है। इस वजह से वो अमेरिका चले गए और वहाँ एक कंपनी में काम करने लगे। वो पूरी तरह से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कट गए थे, लेकिन अचानक कंपनी बंद हो गई। नासिर खान सड़क पर आ गए, उनके पास गुजारे के लिए कुछ नहीं बचा और फिर इसी वजह से उन्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वापस आना पड़ा। 2022 में वो एक टीवी शो में दिखे थे, पर अब फिर से उन्हें कोई काम नहीं दे रहा। यही वजह है कि नासिर को सोशल मीडिया पर इस तरह से काम मांगना पड़ रहा है। अब देखते हैं कि जॉनी वॉकर के इस बेटे को कोई काम देता है या नहीं।